साथ शेयर करूंगी वो है एक माइक्रोवेव रेसिपी. हम माइक्रोवेव में कैसे ब्रेड टोस्ट बना सकते हैं, हाउ वी कैन मेक ब्रेड टोस्ट इन माइक्रोवेव. बहुत ही सिंपल है, आसान है, डेली लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है. और अगर माइक्रोवेव है तो हीटिंग के अलावा भी माइक्रोवेव के कई यूजेस होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में. तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैंने यहाँ पे मल्टीग्रेन व्हीट ब्रेड लिया है, ब्राउन ब्रेड. ये व्हीट ब्रेड सेहत के लिए अच्छा है, मैदा प्लीज अवॉइड कीजिएगा. तो अभी मैं बटर मेल्ट करके मैं अभी इस पे थोड़ा ब्रश कर दूंगी बोथ साइड्स पे. तो आप ये कर भी सकते हो या आप ऐसे डायरेक्ट इसको ग्रिल कर सकते हो अगर आपको ब्रेड अभी बटर नहीं डालना है इसमें. तो बोथ साइड्स को हम ब्रश कर लेंगे बटर से. तो ये ब्रश हो गया है. अभी मैं ये एल्युमिनियम रैक यूज कर रही हूं, मैं इस पे ब्रेड को रख दूंगी. अभी इसको हम माइक्रोवेव के अंदर डालेंगे. तो अभी हम इसको अंदर डालेंगे. तो अभी मैं ये ब्रेड को टोस्ट करने वाली हूँ यूजिंग ग्रिल मोड. तो ये जो बटन है ग्रिल और माइक्रो प्लस ग्रिल, इसको मैं एक बार प्रेस करूंगी तो ये ग्रिल मोड में लेगा. और फिर टाइम सेट करूंगी मैं इसको 5 मिनट के लिए. और फिर हम स्टार्ट बटन को प्रेस कर देंगे. ने माइक्रोवेव को स्टॉप कर दिया है. अभी हम इसको खोल लेंगे और इसको निकाल के हम इसको टर्न कर देंगे. और फिर से इसको माइक्रोवेव के अंदर डाल देंगे. तो अभी हमारा 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है. अभी हम ब्रेड को निकालेंगे. तो ये क्रिस्प इस साइड हो चुका है और इस साइड थोड़ा होगा, तो हम इसको और थोड़े देर के लिए पकाएंगे, ग्रिल कर लेंगे. हमने फिर से इसको अंदर डाल दिया है और ग्रिल मोड पे. और 1 मिनट के लिए हम फिर से जो साइड अभी भी थोड़ा सा क्रिस्प होना बाकी है उसको हम फिर से ग्रिल कर लेंगे. तो 1 मिनट हो चुका है, अभी हम ब्रेड को निकाल लेंगे. तो हमारा ब्रेड एकदम क्रिस्प हो चुका है. हम अब इस ब्रेड को प्लेट में डाल लेंगे. ये अभी एकदम क्रिस्प हो चुका है, आप देख सकते हो ये एकदम क्रिस्प हो चुका है. तो हमारा ब्रेड टोस्ट रेडी है. ये बहुत ही क्रिस्पी है. बहुत अच्छा बना है. इस पे फिर से आप बटर डाल के या जैम डाल के या ऐसे ही खा सकते हो. अगर आपको इतना क्रिस्पी नहीं चाहिए तो आप और थोड़े कम टाइम के लिए रखिए, लेकिन 5 मिनट के लिए आपको इसको ग्रिल करना होगा. एक एक साइड 2.5 मिनट 2.5 मिनट. हाँ, मेरे आज का रेसिपी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए. और तब तक के लिए बाय बाय.